बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मैग्नेटिक पोल्स के बारे में ठीक है? अनलाइक पोल्स रिपेल, ये रॉन्ग है, क्योंकि अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल्स अट्रैक्ट, ये भी गलत लिखी हुई है, क्योंकि लाइक पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट इफेक्ट ईच अदर, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो मस्ट एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, या तो वो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। जो लास्ट ऑप्शन है, सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये वाला ट्रू है कि लास्ट, कोई भी जो हमारे पास मैग्नेट होता है, सिंगल मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो इस वजह से इसका डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। के मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो बार मैग्नेट के अंदर मौजूद होंगी, उनकी डायरेक्शन क्या होगी? बार मैग्नेट नॉर्मली हम ये जानते हैं कि बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पे एंड होती हैं, लेकिन उन्होंने इनसाइड द बार मैग्नेट पूछा है। तो बार मैग्नेट के अंदर अगर आप ये डायग्राम गौर से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जब कंपास की मदद से ट्रेस की जाती हैं तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी प्रेजेंस हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम इन ऑप्शंस में से मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं, जो कि ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है। जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी, ये कंपास जो है अपनी नीडल की डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। वैसे मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए टेस्ला मीटर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, इफ द करंट इन ए वायर विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस द फोर्स ऑन द वायर। अगर करंट इंक्रीज कर दिया जाए एक वायर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में से जो करंट गुजर रहा है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, तो फोर्स जो उस वायर पे अप्लाई होती है, जिसको हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल की मदद से फाइंड भी करते हैं, वो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उस फोर्स का फार्मूला हमारे पास, मैग्नेटिक फोर्स फार्मूला जो है एफ इक्वल टू बी आई एल है। इसमें एफ मैग्नेटिक फोर्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई वायर में से गुजरने वाला करंट है, और एल उस वायर की लेंथ है। तो उन्होंने किस चीज के बारे में कहा था कि अगर करंट इंक्रीज कर दें तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फोर्स और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो करंट इंक्रीज करने से फोर्स भी इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब है ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इंक्रीजेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, ए डीसी मोटर कन्वर्ट्स। डीसी मोटर क्या काम करती है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल को केमिकल में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। तो अगर हम डीसी मोटर पे गौर करें तो डीसी मोटर को जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये है हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जब इसको प्रोवाइड की जाती है, तो दरमियान में जो आर्मेचर लगा होता है, जो कॉयल होती है, वो रोटेट करने लग जाती है। रोटेशन से मुराद ये है कि मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। तो डीसी मोटर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, 6, विच पार्ट ऑफ ए डीसी मोटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल एवरी हाफ साइकिल। केन में से डीसी मोटर में
कौन सा पार्ट लगा होता है जो कि करंट की डायरेक्शन हर हाफ साइकिल के बाद चेंज कर देता है? विच पार्ट ऑफ डीसी मोटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉयल एवरी हाफ साइकिल? तो डीसी मोटर की जो डायग्राम है अगर वो देखी जाए तो उसमें ये कॉयल होती है, कॉयल के साथ कम्यूटेटर लगे होते हैं, स्प्लिट रिंग्स होते हैं। इस स्प्लिट रिंग्स को कॉमनली हम कम्यूटेटर का नाम देते हैं। ये कम्यूटेटर वो काम कर रहा होता है कि हर हाफ साइकिल के बाद जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स कर देता है। ये जो कम्यूटेटर है इस डायग्राम में क्लियरली दिखाए गए हैं। कम्यूटेटर के साथ जो ब्रशेज लगे होते हैं इसको हम कंप्लीट सेटअप को कम्यूटेटर का नाम देते हैं। तो कम्यूटेटर इस डीसी मोटर का वो हिस्सा होता है जो हर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आएगा, दी कम्यूटेटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन किसी भी सर्किट में किस तरह से, उस पे कौन से कन्वर्जन अप्लाई होती है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो ये लेंजेज लॉ वाले टॉपिक में आप इसको पढ़ भी चुके हैं कि लेंजेज लॉ बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जब हम हाथ से मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होती है। तो लेंजेज लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड कर रहा होता है। डेफिनेशन ऑफ लेंज लॉ, वी नो दैट द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज अपोज्ड बाय द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है, द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस द इनपुट करंट, इंक्रीजेस द इनपुट वोल्टेज, हैज मोर टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, हैज लेस टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो इनपुट करंट को इंक्रीज करता है, इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करता है, प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद ज्यादा होती है या सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद कम होती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसका काम बेसिकली क्या है कि वो जो वोल्टेज होती है उसको स्टेप अप कर देता है, यानी कि वोल्टेज को इंक्रीज करता है, और जो इनपुट पे हम वोल्टेज उसे अप्लाई करेंगे वो उसको क्या करेगा, आउटपुट पे जो हमें वोल्टेज देगा उसकी और इनपुट की निस्बत ज्यादा होगी। और इसके मुकाबले में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो कि इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करता है, इसका मतलब है कि ए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इंक्रीजेस द इनपुट वोल्टेज। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, द टर्न रेशोज ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर 10। इट मींस टर्न रेशो किसी भी ट्रांसफार्मर की 10 है तो उसका मतलब क्या है? बेसिकली टर्न रेशो 10 होने का मतलब यह है कि द टर्न रेशो ऑफ द ट्रांसफार्मर आर गिवन बाय द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। कि टर्न रेशो से मुराद ये होती है कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कितने हैं टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो इस केस में हमें बताया गया है कि टर्न रेशो 10 है, इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में 10 टाइम्स ज्यादा हैं किसकी निस्बत, प्राइमरी कॉइल की निस्बत। तो इसका मतलब यह हुआ कि एन एस इक्वल होगा 10 P के। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी मौजूद है, एन एस इक्वल टू 10 NP। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के MCQs थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।